नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे भाई लोगों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। भाई थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, इसमें करने क्या वालों या उखाड़ने क्या वालों, इस ब्लॉग में मजा आएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले गाइस मैं गरीब देख लेता हूँ तो वैसे मेरे पास सामान है या नहीं है, क्योंकि वैसे मैं काफी चीजें तो लगा देता हूँ। ये रहा वो डब्बा, ना जाना गाइस वो कुर्सी मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, तो रुक जाओ। हाँ तो भाई कैसे गया आपको भाई, सुपरमैन की तरह। हाँ तो भाई मेरे पास है ये भैया माइक्रो यूएसबी वाले, ओ माय गॉड सारे माइक्रो वाली हैं। ओ मैं भी तो माइक्रो ही हूँ। देखो ये है टाइप सी, गाइस मुझे टाइप सी वाले वैसे पहले पसंद नहीं थे, लेकिन जब से ये आए ना चार्ज मॉड्यूल टाइप सी के, तब से थोड़ा ठीक लगे सी वाले लोग मेरे को। तो भी हम कोई सा लगा सकते हैं। ओ यार सारे भाई मेरे पास, मतलब भाई मैं दिल्ली से जो ना इकट्ठे ले आया था यार, और भाई इनका मैं यूज ही नहीं करता क्योंकि यार इनका यूज होता नहीं है ज्यादा, और भाई इतने सारे हमारे पास यहाँ रखते हैं इसे। तो भाई हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अगर हम आठों को कनेक्ट करें आपस में तो भाई साहब क्या हम 18650 लिथियम बैटरी को फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जो गाइस अभी बहुत वक्त ले जाती है भाई, डेढ़ दो घंटे का इस आराम से खींच लेता है, तो भाई बैटरी लो है बिल्कुल। तो भैया देखते हैं, काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। तो भाई अभी मैं क्या करूंगा गाइस, मैं कोई सा भी एक इनमें से ले लूंगा, इसका तो मैंने सारा तामझाम ही निकल लिया। वैसे गाइस हम ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, तीन चार बहुत है, पता गाइस वैसे हमें दो से लग जाएगी है ना, लेकिन फिर भी हम तीन जोड़ के देख सकते हैं। तो भाई हाँ कोई से तो भाई ठीक होगी, वैसे भाई जी मोस्टली इसमें बैटरी ठीक है, लेकिन बाई चांस भाई मैं टेस्टिंग करके नहीं रख पाता ना, तो उसमें गाइस ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है मामला। ये फुल रिचार्ज है, फुल चार्ज गाइस घंटा करेंगे, हाँ मैंने चाहिए थोड़ी सी 3.8, ये लगभग गाइस चल जाएगी, आपको नहीं दिख रहा मैं भी देखूंगा, चलो आप भी देखो 3.82 ठीक। चलो भाई साहब ये करते हैं बंद भैया। तो भाई ये रही तार, ये रही बैटरी, लगातार लगा रहा है तार, तो कहीं इसे ज्यादा हीट नहीं करनी। देखो भाई ली तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है जल्दी सोल्डिंग करने का, सोल्डर को हीट पकड़ो खूब, लगता है अगर ये हो जाए ना बस तरीके से हो गया काम, अगर भाई ज्यादा लगा रहोगे तो गाइस ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी बैटरी ठीक है। दो भाई मैंने इसे फुल पकड़ रखा था गाइस, अब मैंने इसे कम पर किया है ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमारे जो सोल्डिंग आ रही है मस्त काम करता है बिल्कुल। तो भाई हम करने गया बहुत सिंपल वे में, अभी हमें कुछ नहीं करना, जिंदगी हमने कुछ करना है नहीं, तो ऐसे पहले जरा मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूं मैं करना क्या वाला हूँ। लो भाई साहब मैंने अभी बस हल्के फुल्के लगाए जिससे गाइस इसके जो ना ये होल ना भरे ठीक है। चलो भाई चेक करते हैं, चेक करना गाइस बहुत ही अपने सारे भाई, ये क्या करता हूँ मैं सारों को निकाल देता हूँ ना भाई, कंफ्यूजन पैदा करते हैं ससुर के नाते। और ये लीड भी दो से लाता हूँ, ये मजा नहीं आएगा, बहुत बिल्कुल घटिया किस्म की लीड है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। और गाइस ये डेटा केबल है, मतलब चार्जिंग केबल भी है डेटा केबल भी है। ओह ये तो चली नहीं, अच्छा चली कैसे, तार तो लगा ही ना। देखो भाई ये भैया रिचार्ज हो रही है ठीक, हो रही है चार्ज, देखो मस्त। तो भैया हम क्या करेंगे, क्लाइम मीटर का ऐसा यूज़ करके देख सकते हैं कि भाई क्या हाल चाल है इसके, और ऐसा करते हैं 60 पर, और भैया ये हो रहा फिलहाल एसी पर, हम करेंगे इसे डीसी पर 0 ठीक। देखो भाई नहीं दिख रहा, देखता हूँ भाई, वाह क्या दिख रहा। तो भाई साहब अभी ले रहा है लगभग 1 एम्पियर 0.96, यानी गाइस लगभग 950 मिली एम्पियर या 960 970 980 मिली एम्पियर, जो गाइस अभी फिलहाल ले रहा है 980 मिली एम्पियर ठीक है। चलो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो इससे माइनस में आएगा, देखिए वही वाह देखो यहाँ दिखा रहा, मतलब मान के चलते गाइस पूरा ये 1 एम्पियर अभी बैटरी कंज्यूम कर रही है, इससे ऊपर गाइस ये नहीं दे रहा ठीक है। भाई मैं क्या करता हूँ मैं फटाफट से निकालता हूँ, और गाइस फटाफट करते हैं भैया एक सिंपल सा जुगाड़, आपने देखा अभी तक ये 1 एम्पियर ही कंज्यूम कर रहा था ठीक है। तो भाई मैं इसे निकालता हूँ, देखते हैं गाइस क्या होता है, आपके सामने बिल्कुल होगा जो भी होगा जैसी भी होगा। तो भैया ये रहा एक तगड़ा सा वायर, मेन जगह तगड़ा सा वायर, एक कम करते ही नहीं लेते हैं ना, मतलब भाई इसी ले चलते हैं भाई, ये काफ़ी खूबसूरत वायर लगता है गाइस मेरे को, मतलब मस्त बिल्कुल। तो भाई इसे फटाफट नंगा करते हैं चंगे को, वैसे गाइस वो ऑलरेडी नंगा है तो नहीं यार मूड चेंज हो गया, हम इसी ले लेते हैं भाई, मतलब आप कोई वायर ले सकते हो, जैसे ये वाला वायर ना इसे भी छील के ले सकते हो, कोई दिक्कत, इसकी जो कोटिंग हटा लेना भाई की ताकत। तो ये मैं क्या करता हूँ, ऐसे करते हैं जल्दी फटाफट ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ तीनों को जोड़ूंगा एक साथ, या पहले दो को जोड़ के देखेंगे फिर तीन को जोड़ के देखेंगे कि क्या होता है ठीक है। तो गाइस हम थोड़ा फास्ट में देखते हैं, हाँ तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इसके ऐसी टांग वांग बना दी, ये कुत्ते की तरह गाइस उल्टा हो गया, दूर से देखा इस शेर लगता था, पास जगह देखा वो कुत्ता था, वाह क्या शेर सुनाया है। देखो गाइस क्या चुटकुला था हमारा, मैंने ये वैसे देखो ये वैसे ऐसे इसके अंदर
थोड़ा भाई इसे मिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसे ऊपर ही रखेंगे, कोशिश करेंगे भाई ये बिल्कुल अगर प्लेन से हो जाए तो ठीक है, काम ऐसा करेगा नहीं करेगा गाइस वो तो बाद की बात है। फटाफट भाई सोल्डिंग वोल्डिंग कर लेते हैं अगर हो जाए तो, आज की डेट में हमसे भाई मैं अकेला बंदा हूँ तो भाई काफी दिक्कत हो रही है। फौजी भाई जो बच्चे को लेने गए ट्यूशन से अपने आ जाएंगे थोड़े देर में, ये बात नहीं है, वो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ा अच्छा लगेगा ना अगर मैं एक साथ से लगाऊंगा, बाकी तो कैसे लगाओ तो फिर लग जाए भैया लग ही ना रहा भाई, अगर देखा जाए तो ठीक से ही लगे हैं है ना ये रहा। तो भाई हमने दो लगा दिए, अब भाई फटाफट भैया इसके करंट चेक करके देखते हैं कि भाई करंट इसके डबल होगा, एक काम करें तीन एक साथ लगा लें, वो जब लगा ही रहे तो बात तो वही है तीसरे टेस्ट करें तो भाई टाइम खराब होगा इससे, ठीक है तो तीसरे में लगाते हैं ना, क्योंकि भाई तीन गुना करंट होना चाहिए भाई, ऐसे तो आप चार पाँच में आराम से लगा लोगे जितना का लंबा मैंने लगा दिया ना। देखो ऐसा क्या बिल्डिंग से लग रही है बॉस, देखो ऐसा फटाफट क्या करते हैं भाई, अब कहीं भी लगा लो यार, अब तो तार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब यहाँ लगा लो चाहे भाई कुछ खराब ना हो जाए वो बात अलग है। एक्सपेरिमेंट तो गाइस लोगों की जान चले जाती है, हमारी बैटरी चली गई तो क्या दिक्कत होगी बताओ। चलो भाई इसके देखते हैं लाके भैया, पहले तो गाइस देखेंगे भैया ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो भैया फिलहाल इसमें लाइट आ रही है। ओ हो देखो भाई साहब देखो भाई देखो तीनों चल रहे हैं ना, फटाफट भाई से ऑन करता हूँ और इसे करता हूँ मैं डीसी में, जीरो है लाइट जलाते हैं इसकी, देखते हैं भाई। ओहो हो देखो भाई एम्पेयर तो गाइस बड़े हैं लेकिन एक से सिर्फ डेढ़ एम्पेयर हो गया है, वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन ये करता है कभी नहीं भाई, सेम ही है डेढ़ एम्पेयर गाइस ये दे रहा है, अरे ऐसा नहीं कि भाई काम नहीं करो गाइस, देखो भाई तीनों जल रहे हैं तो भाई साहब डेढ़ एम्पेयर ये इसे फेंक रहा है, एक काम करते हैं गाइस वैसे करना तो नहीं चाहिए मेरे को यार ये मुश्किल काम करेगा, फिर देखो भाई तीनों में हो गया, देखा टच करके आप इसमें देखो, अब देखते हैं गाइस ये कितने वोल्टेज दे रहा है, ठीक है मतलब कितना करंट दे रहा है, सॉरी अबे लाइट ना जल्दी इसकी तो क्या हो गया, लो भाई यहाँ के लाइट ना जल रही, अबे यार देखो इतनी सी लाइट जल रही है बस, अबे बैटरी गई इसकी, मेरे तो 4500 रुपये खराब हो जाएंगे। तो भाई साहब ये मैंने लगा लिए थे फटाफट, और भैया जी अबे भाई अब दिखाई नहीं रहा, अब एक काम करते हैं थोड़ी सी बैटरी और वीक ले लेते हैं जो थोड़ी सी और ज्यादा वीक हो, पर वो बैटरी ठीक होनी चाहिए। हाँ तो गाइस आपकी बद्दुआएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, एक घंटे बाद गाइस मेरे को मिला है एक सेल बैटरी, तो भाई ये काफ़ी कम वोल्टेज है इसके अंदर, ठीक है जी भाई ओनली 0.65 लेकिन भाई ये फुल्ली डिस्चार्ज माना जाएगा, एक वोल्ट से कम इसके अंदर वोल्टेज है, तो भैया अब हम इसको चार्ज करके देखेंगे कि भाई साहब अगर ये चार्ज होगा तो गाइस बैटरी ठीक है और नहीं चार्ज होगा गाइस खराब है, देखो चलेगा ना तीनों तो भाई ये मॉड्यूल ठीक है, लो भाई ये भाई बैटरी बिल्कुल ओके है बस गाइस ये काफ़ी डिस्चार्ज है, तो क्या देखो तीनों चल रही हैं, और भाई साहब अब मैं देखता हूँ यार बंद कर दिया मैंने, हाँ वो ये गाइस कभी कभी हो जाता है बैटरी बचाने के लिए, गाइस पैसे काफ़ी कम है ना मेरे पास तो बैप तो लगी ना दिखे, लो भाई साहब ये तो बहुत कम दिखा रहा है 0.29 ओनली, यानी कि लगभग 300 mA या 270 mA का इसे फिलहाल दिखा रहा है, देखो भाई आपके सामने लाइव तीनों भाई देखो तीनों जल रहे हैं मॉड्यूल, नहीं भाई ये आइडिया हमारा ज्यादा सक्सेसफुल गाइस नहीं रहा, मतलब भाई एम्पेयर तो बढ़ रहे हैं लेकिन देखा जाए तो गाइस कम एम्पेयर बढ़ रहे हैं, एक काम और करते हैं गाइस एक दो मॉड्यूल और लगाते हैं, हो सकता है इनमें से एक आध मॉड्यूल गड़बड़ कर रहा हो, ठीक है वैसे गड़बड़ नहीं कर रहा, देखो आपके सामने गाइस सारे हैं ठीक चल रहे हैं, ठीक है फिर भी गाइस मैं लगा लेता हूँ ठीक है, जिससे भाई जिस तरह इस बाद में कोई क्वेश्चन ना हो मन में कि भाई ऐसा हो सकता है या क्यों नहीं हुआ, ठीक है तो भाई साहब मैंने इस पर एक और जोड़ दिया, वैसे गाइस मेरा प्लान था कि भाई मैं इसमें एक और जोड़ूं लेकिन भाई इसमें जगह नहीं, ओह माय गॉड बच रही है ऐसा आ जाएगा, लेकिन भाई ये थोड़ा सा ऐसे आया उठपटांग था बस, लेकिन फाइनली ये आ गया है नीचे गाइस कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, और यहीं से तो टकराएगा टकराने दो, ठीक है चलो भाई इसे भी कर देते हैं पाँच जंगे पूरे, और चलेगा ना चलेगा इस वो तुम पता लग ही जाएगी, तो भैया फटाफट लगाते हैं इसे क्या होता है। हेलो भाई ओ माय गॉड देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं बॉस है ना, मतलब क्या मस्त लग रहे हैं भाई, अब भाई वाली कर रही है गड़बड़ है ना नीचे वाली, लेकिन चल जाएगी ये एक महीने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है जब इसमें बैटरी नहीं लगी होती यानी कि इस पर लोड नहीं होता जब, मैं वो वाली बैटरी भी चेक करूंगा जो मैंने पहले लगाई थी ना एक बार, ठीक है इसे लगाने के बाद सारे एकदम से हो जाएंगे, देखो भाई वाह वाह क्या नज़ारा है वाह, अब गाइस एक बार चेक कर लेते हैं लाइट वाइट की तरफ दिखाई जरूरत है नहीं, वहाँ दिखता रहिए नहीं थी तो गाइस मैं दिखा दूंगा, लो भाई अब ये हाफ एम्पियर दे रहा है, देखो भाई हाफ एम्पियर ओनली, तो ये बैटरी गाइस कुछ ज़्यादा ही लो है, तो गाइस आई थिंक ऐसा हो सकता है कुछ वोल्टेज बढ़ने के बाद ये
ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करे, होता है ठीक है। तो इसे फिलहाल बंद करते हैं, और जो हमारी बैटरी ना इसे लेते हैं, मतलब जो हमारी पहले वाली बैटरी थी 3.8 वोल्ट का इसे चार्ज थी ठीक है। और देखते हैं भाई कितने वोल्ट है, कितने पीना शुरू कर दिया। लो भाई साहब दो बता रहे हैं कि भाई ये बैटरी चार्ज है। लो भाई वही सेम 1.5 एम्पियर, ये सारे एक साथ वोल्टेज दे रहे हैं ना भाई, सारे के सारे लगभग 4.2 वोल्टेज देते हैं, तो भाई सारे वोल्टेज भी इकट्ठे हो गए। वैसे का ऐसा होता नहीं है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहते हैं, सीरीज में कई वोल्टेज डबल हो जाते हैं ठीक है। तो भाई वैसे सारे के सारे पैरेलल मैंने लगाए हैं। तो भाई साहब कहने का मतलब भाई ये है कि ये कामयाब सिस्टम या जुगाड़ नहीं है ठीक है ना। एक बार हम तबे निकल जाए यार, इसमें लगा के देखते हैं। देखो कुछ लगा, देखो अभी जला ठीक है। तो भाई इसे लगा कि वोल्टेज यानी कि बैटरी फुली चार्ज होगी, ऐसा भी कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा करंट निकाल लो गाइस, ये बैटरी चार्ज होगी हो। आज देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, ये 3-4 एम्पीयर का 3 मॉड्यूल है, तो गाइस एक मॉड्यूल 1 एम्पीयर निकालता आउटपुट ठीक है। अब देखते हैं भाई ये इस बैटरी के वोल्टेज कितना हो गया। देखो भाई मैंने इसे ज़्यादा चार्ज पर लगाई नहीं, आपके सामने मतलब लगाई या हटाई, बस ऐसे गाइस मैंने किया है, ऐसे मैंने इसे लगा के छोड़ दिया है ठीक है। तो अब इस बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 3.9 हो गए, मतलब गाइस रिचार्ज तो ये हुई है, मतलब बहुत ही फास्ट रिचार्ज ये हुई है। 3.8 थे और 3.9 है, वोल्टेज तो गाइस के बहुत जल्दी बढ़े क्योंकि भाई मैंने बस लगा के निकाल ही दिए। लेकिन भाई ये जो हमारा, लेकिन भाई हमारे ये है ना क्लेममीटर, ये भाई मतलब 6 एम्पीयर बताता है, इस बात नहीं है, ये एक्यूरेट बताता है लगभग, ये भाई नहीं बता पा रहा कि भाई ये कितना करंट ले रहा है एक्चुअल। और एक काम करते हैं, इसे थोड़ा बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसी ठीक है। तो भाई देखते हैं कि किस किस की लाइट जल्दी जलेगी, तो थोड़ा गाइस फास्ट में देखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इसमें यहाँ पर टाइम भी चला दूँ तो बेस्ट होगा, अगर टाइम दिख जाए तो। तो भाई साहब 9 मिनट से ऊपर हो गए हैं इसे कंटिन्यू लगे हुए, और गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई, चले इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम तो लगभग गाइस खत्म ही हो गया। और भाई बड़ा बदतमीज कैमरा हमारा, गाइस फोकस कहीं और कर रहा है, इसका ध्यान कहीं और है, काम पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये दो दिखा रही है भाई फुल बैटरी, जबकि गाइस 3 ही काम कर रहे हैं। और भाई साहब ये हीट नहीं है ठीक है, और मैं आपको एक बार एम्पियर चेक कराता हूँ इसके। देखिए भाई ये भैया 1 पॉइंट, देखिए ये लगभग मतलब 1 एम्पीयर का प्रॉक्सी है। तो भाई साहब ये जो आइडिया है भाई ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि भाई सबके वोल्टेज आउटपुट तो मिल गए ना, तो भैया ये जो आइडिया हमारा फेल है। और भाई इसी मेरे को बताते में दुख बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि भाई ये आइडिया फेल है या ठीक है। भाई मेन चीज है कि भाई दिमाग में क्या पता ऐसा हो जाए, तो मैं सोचा गाइस आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। और काफी लोग इस मन में कभी आया होगा कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि हम बैटरी को फास्ट चार्ज कर दे। तो भाई साहब आपके सामने बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल लाइव डेमो दिखाया है, इससे ज्यादा आपका भाई कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस फिलहाल भैया यहाँ पे लेते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय। तो भैया इस जुगाड़ को मत बनाना, ये गाइस काफी कॉस्टली पड़ जाएगा और ये काम नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। गाइस मैंने आपको 5 ये मॉड्यूल भैया जोड़ के दिखाए हैं जो कि भाई ऐसा काम नहीं करते। गाइस ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा, कुछ भाई आपको सीखने को मिलेगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, समझ रहे हो लौंडो ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।